हरियाणा के करनाल में किसान संगठन आज महापंचायत कर रहे हैं और ये महापंचायत 28 अगस्त को करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ है। किसान संगठनों का कहना है कि लाठीचार्ज को लेकर एसडीएम के विवादित आदेश पर उनकी मांगे अब तक पूरी नहीं हुई और इसी से नाराज किसानों ने आज महापंचायत बुलाई। किसानों की मांग है कि लाठीचार्ज करवाने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ मर्डर केस दर्ज किया जाए। हरियाणा सरकार एसडीएम का ट्रांसफर कर चुकी है लेकिन किसान इस कार्रवाई को नाकाफी बता रहे हैं और करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत 28 अगस्त को लाठीचार्ज के विरोध में दरअसल ये महापंचायत की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, एसडीएम पर मर्डर केस दर्ज करने की मांग चल रही है और जो कार्रवाई अभी तक उन पर हुई है उससे फिलहाल किसान खुश नहीं है। करनाल और आसपास के जो जिले हैं वहां पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है। हालात को देखते हुए अलग अलग जगहों पर बैरिकेड भी किया गया है। करनाल में धारा 144 भी लागू कर दिया गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां किसानों की ये महापंचायत, वहीं सचिवालय का घेराव करने की बात सामने आई है, इसीलिए इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है। एसडीएम पर एक्शन की मांग को लेकर ये महापंचायत आज बुलाई गई, भारी सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। तो करनाल में आज किसानों का हल्ला बोल और आज दरअसल महापंचायत इसलिए कि वो जो एसडीएम है उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर लगातार आज स्वर मुखर करेंगे किसान नेता। बात करें तो हमारे फोन पे भी इंटरनेट सेवा नहीं आ रही है, पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और इस वक्त जिस जगह हम लोग खड़े हैं ये करनाल की अनाज मंडी है। यहाँ पे आप देखिए अमूमन आपको किसान नजर आते थे पर किस तरह से पूरे इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है जो नॉर्मल यातायात है उसकी आवाजाही नहीं हो रही है यहाँ पे और खाकी का जो समुंदर है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। सामने आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे है और 7 बजे का टाइम दिया गया था किसानों को यहाँ पे एकत्रित होने के लिए पर एक इक्का दुक्का किसानों के अलावा वो मजमा नजर नहीं आ रहा है। क्या उनकी कोई और रणनीति होगी क्योंकि लगातार जिस तरह से आवाहन किया गया था, ये ऐलान किया गया था कि मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव किया जाएगा जो कि लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, पर ऐसे में कैसे किसान एंटर करेंगे उस रास्ते से आप देखिए रैपिड एक्शन फोर्स से लेके तमाम एंटी रायट व्हीकल से लेके पुलिस की भारी तैनाती इस सड़क पर नजर आ रही है और लगातार मुआवजे की मांग हो रही है कि जिस किसान ने अपनी जान गंवाई 28 अगस्त को उसको उचित मुआवजा मिले, अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हो, उसको लेके लगातार यहाँ पे कुरुक्षेत्र बना हुआ है। और जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त करनाल में मौजूद हैं, वो इस वक्त जुड़ भी चुकी हैं सीधे मौसमी का रुख करते हुए। मौसमी जरा तस्वीरें दिखा दीजिए किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, सुरक्षा के इस मद्देनजर क्या इंतजाम देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त बारिश हो रही है, मौसम का जो मूड है, मिजाज है वो बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। किसान किस मूड में आते हैं यहाँ पे ये देखना होगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो तमाम तबके हैं उनमें नाराजगी है कार्रवाई को लेके और ये बोला गया था कि मुजफ्फरनगर की पंचायत के बाद हम फिर जायजा लेंगे, देखेंगे कि प्रशासन ने आखिर क्या कार्रवाई की उन किसानों उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने लाठीचार्ज किया था किसानों पर। आप इधर अगर नजर दौड़ाएं तो जो एंट्री पॉइंट है वहां पे आप देखें तो तमाम बसें तैनात की गई हैं, सुरक्षा कर्मी पुलिस कर्मियों से लेके अतिरिक्त सुरक्षा बल उनकी भी तैनाती है। अनाज मंडी में किसानों की एक पंचायत होगी और उसके बाद वो जो मिनी सचिवालय है वहां पे कूच करेंगे और उसका घेराव करेंगे। देखना ये है कि आखिर क्या किसानों को वहां तक जाने दिया जाता है क्योंकि धारा 144 यानी कि 4 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग पर पाबंदी है, पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा नहीं है और ऐसे में आप देखिए जो एंट्री पॉइंट है वहां लगातार चेकिंग हो रही है, बिना अनुमति की गाड़ियों को इस तरफ आने नहीं दिया जा रहा है। ये वो वक्त है जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री की जो कर्म भूमि है वो छावनी में तब्दील हो गई है। लगातार जेजेपी हो या भाजपा की तमाम इवेंट्स हो रही हैं वहां पे लगातार किसानों का प्रदर्शन हो रहा है, कभी वो काले झंडे दिखा रहे हैं। जो टोल बटारक टोल प्लाजा है वो यहाँ से बहुत दूर नहीं है और सारी जो पूरी जो फसाद है जो
लड़ाई है वो वहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि टोल प्लाजा पे किसान प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए महापंचायत से करनाल जो है वो पूरी तरीके से ठप नजर आ रहा है, जैसी तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद है, शहर में धारा 144 लागू है, भारी सुरक्षा के वहां पर इंतजाम हुए हैं और कई रूट जो है वो इसी मद्देनजर डाइवर्ट किए गए हैं। वहीं महापंचायत के चलते वहां पर सुरक्षा भी जो है वो बहुत बढ़ा दी गई है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना वहां पर ना हो। अब तक क्या क्या हुआ जरा इस पर नजर डालें। कृषि कानून पर आंदोलन जो है वो तेज है। 9 से 10 सितंबर में किसानों की महाबैठक चली, 15 सितंबर को जयपुर में किसान संसद हुई, 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया, 28 अगस्त को किसानों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज हुए और उसके बाद ही आज किसान जो है वो ये महापंचायत कर रहे हैं। एसडीएम ने दिया था सिर फोड़ने का आदेश, वीडियो काफी वायरल हुए थे और उसके बाद एसडीएम के बयान पर किसान संगठन जो थे, किसान जो थे, उनका गुस्सा भड़का। हरियाणा सरकार भी एसडीएम के बयान से नाराज नजर आई और इसके साथ ही साथ जो किसान है वो इस बात पर अड़े रहे कि कार्रवाई होनी चाहिए। 1 सितंबर को एसडीएम आयुष सिन्हा का तबादला कर दिया गया, लेकिन इससे किसान खुश नजर नहीं आए और आज ये महापंचायत हुई है और वो और कार्रवाई उन पर चाहते हैं। जहां तक पर्चा दर्ज करने का सवाल है तो ये बात को बार बार उल्टा रहे हैं, घुमा रहे हैं और अपने अधिकारियों का बचाव कर रहे हैं, प्रशासन भी और सरकार भी, जो बिल्कुल गलत है, जो नैतिकता के खिलाफ है। वो तो इनको देखना है, पैरामिलिट्री फोर्स करें जो भी करें, हमने कौन सा कोई लड़ाई तो करनी नहीं, हमने तो किसी पे हाथ उठाना नहीं, हम तो हमारा आंदोलन तो शांतिपूर्वक है। कुछ लोग शरारती तत्व तो फायदा ना उठाते हैं, कोई र्यूमर मोंगर्स किसी प्रकार का वो ना कर दे, उसके लिए प्रशासन को एहतियात बरतने पर। नहीं, मेरा किसान नेताओं से भी कहना है, ऑर्गेनाइजर से भी कहना है कि शांति बरकरार रखने का दायित्व उनके ऊपर भी है, तो हमें उम्मीद है कि सारा शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएगा। करनाल की किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल होने जा रहे हैं। महापंचायत से पहले राकेश टिकैत ने आज तक से बात की। राकेश टिकैत है हमारे साथ, जा रहे हैं करनाल। करनाल का क्या एजेंडा? करनाल में जाएंगे, वहाँ पे बातचीत करेंगे, वहाँ के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। मेनली तो वहाँ पे सरकार से बात नहीं, वहाँ के अधिकारियों से बात होगी और वहाँ एक मीटिंग रखी है कि हम जाएंगे, जो इशू थे, जो एसडीएम ने जो न्यूसेंस वहाँ पे करी, उसके बाद में एक रोड का था उसकी भी वहाँ पे डेथ हुई उसी दिन रात को, तो सारे इशू रहेंगे, उनसे बैठ के बातचीत करेंगे, भाई उसके खिलाफ कार्रवाई करो। और मेनली ये है कि उसका मुआवजा, उसके परिवार के लोग, उसके परिवार के लोग भी चाह रहे जी, हमको जाके उनके एसडीएम के घर पर जाएंगे, हमको हमारा बाप गया। कल आपकी जो बात हुई है प्रशासन से, प्रशासन ने मानने से इनकार किया है कि जो किसान है जिनकी आप के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हो, उनको कोई मुआवजा दिया जाएगा या कार्रवाई होगी। तो अगर इस तरीके का टकराव जारी रहता है तो क्या है आगे रास्ता? वो तो वहीं जाके पता चलेगा। मैं तो अधिकारी से बातचीत हो रही है, वहाँ पे अधिकारी बात करे, जो इशू है उसको सोल्व करे अधिकारी। इंटरनेट बंद हो गया है आपके महापंचायत से? पर नहीं करना चाहिए, क्यों जनता को दुखी करो कि इंटरनेट बंद कर दिया, वो कर दिया, तो लोग तो जाएंगे। लोग क्या इंटरनेट के भरोसे है कि इंटरनेट नहीं चलेगा तो लोग रुक जाएंगे? लोग तो जाएंगे, वहाँ मीटिंग करनी चाह रहे तो लोगों को मीटिंग करने दो। उसके जैसे हिसार में होया तो हिसार में भी मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद में अधिकारियों से वहाँ के जो कमिश्नर थे, डीसी थे, वे थे, उसके बाद में वहाँ पे 8-10 लोग गए और बातचीत करी और एक बातचीत हुई है। वो सरकार को प्रपोजल देंगे, क्या देंगे, तो बातचीत तो अधिकारी को करनी चाहिए, ऐसे छुप कर कैसे काम चलेगा। बढ़ रहे आगे, 2022 के यूपी चुनाव के लिए आज से मायावती अपने चुनावी अभियान का आगाज कर रहे हैं। बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन का आज आखिरी दिन है और इस मौके पर बड़े कार्यक्रम की तैयारी है। मायावती लखनऊ में पार्टी कार्यालय में अपना संबोधन करेंगी, राजनीतिक एजेंडा रख सकती हैं। बीएसपी का दावा है कि इसमें यूपी के सभी 75 जिलों के ब्राह्मण प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। बीएसपी के इस प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से सतीश चंद्र मिश्रा ने
23 जुलाई को की थी और अब आज उसका आखिरी दिन है। इसी मौके पर मायावती अपने चुनावी अभियान का आगाज कर रही हैं। तो मायावती संबोधन में अपनी राजनीतिक एजेंडा रखेंगी कि किस तरीके की रणनीति अब उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए बीएसपी की रहने वाली है। और एक तरीके से राज्य में अगर देखें ब्राह्मणों पर इतना फोकस क्यों, क्योंकि 13% ब्राह्मण कई सीटों पर, 20% से ज्यादा ब्राह्मण वोट जो है वो है, 12 जिलों में 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट है। 2017 में 56 सीटों पर ब्राह्मण जीते थे, 2017 में बीजेपी के 44 ब्राह्मण उम्मीदवार जीते थे और इसीलिए फोकस जो है वो खासतौर पर इस बार ब्राह्मणों पर दिख रहा है। दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, मुस्लिम, कुर्मी, अन्य, और ये सारा समीकरण है जातिगत समीकरण जो साधने की तमाम दलों के द्वारा कोशिश होगी, जहां पर दलित जो आंकड़ा है वो 20.5% दलित है, ब्राह्मण 13% है और इसीलिए ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत भी हुई, ठाकुर 8.5% है, 50%, वही यादव जो है वो 9% है और साथ साथ नजर मुस्लिमों पर भी, क्योंकि मुस्लिम 19% है और इसीलिए फोकस मुस्लिम और ब्राह्मण भी कई बार इन राजनीतिक दलों का रहता है। बहन जी, उन नौजवान रोजगार मांगने वाले नौजवानों से कब मिलेंगी जो रोज सड़क पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? बहन जी, उन महिलाओं से कब मिलेंगी जो रोज इस कानून व्यवस्था का शिकार हो रही हैं? मैं समझता हूँ कि बहन जी, प्रबुद्ध लोगों के साथ तो मिलने का क्रम रख रही हैं, लेकिन प्रबुद्ध लोगों के किस काम आ रही हैं ये भी प्रबुद्ध लोग जानते और पहचानते हैं। आज भी वही स्थिति ब्राह्मण समाज की, जो हाशिए पर पहुंच गया, परेशान था, मारा जा रहा था, हत्याएं हो रही थी, उस समय जो हालात थे वही हालात आ रहे हैं और ब्राह्मण समाज अपने को लाचार महसूस करता था। हमने ब्राह्मण समाज से कहा जाके कि आपकी ये स्थिति क्यों है, कभी आपने इसके बारे में सोचा? कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने बजे संबोधित करने वाली है मायावती और किस तरीके से उत्था पुथल की स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में खासतौर पर नजर आ रही? देखिए, पहले तो आपको सीधे दिखाते हैं वो तस्वीरें जो इस वक्त उनके पार्टी दफ्तर के बाहर की हैं। हम वहीं मौजूद हैं, लखनऊ का ये पार्टी दफ्तर है और यहाँ पर लोगों का जुटना शुरू हो गया है। पूरे 75 जिले से बीएसपी के जो ब्राह्मण सम्मेलन और प्रबुद्ध सम्मेलन से जुड़े लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उन्हें बुलाया गया है और बाहर की ये आप बाहर का ये आप दृश्य देख रही हैं। चारों तरफ पोस्टर बैनर से ये पट चुका है इलाका। 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा और मायावती एक तरीके से अपना राजनीतिक एजेंडा आज रखेंगी, क्योंकि पिछले तकरीबन 1.5 महीने से सतीश चंद्र मिश्रा जिले जिले घूम रहे थे और प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे थे, ब्राह्मणों को जोड़ने की उनकी ये कवायद थी। आज मायावती का एक तरीके से ये चुनावी आगाज कहा जाएगा, क्योंकि काफी समय के बाद वो सीधे जनता से मुखातिब हैं और अपने राजनीतिक एजेंडे को सामने रखेंगी। 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा, तकरीबन 2 घंटे तक ये कार्यक्रम चल सकता है और आज बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि 2022 के चुनाव का आगाज होगा। नजर रहेगी कि आखिर मायावती क्या कहती हैं, क्योंकि ये 2007 के बाद पहली बार है जब ब्राह्मणों को साधने की एक सोची समझी कोशिश बसपा की तरफ से दिखाई दे रही है और बीएसपी ने जो अपना कॉम्बिनेशन इस बार बनाने की कोशिश की है दलितों के साथ ब्राह्मणों को जोड़ने की, क्योंकि यही उनका फॉर्मूला 2007 में हिट हुआ था जब वो सत्ता में आई थी और एक बार फिर से दोबारा उसे आज आजमाएंगे। लेकिन तमाम नजरें इस बात पर रहेंगी कि मायावती कहती क्या है। शमशीर में तालिबानी लड़ाकों के साथ पाकिस्तानी सेना की साठगांठ और काबुल में आईएसआई चीफ की मौजूदगी के खिलाफ लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। काबुल और मजार शरीफ में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि पंजशीर में लोगों की हत्या रोकी जाए और पाकिस्तानी खुफिया चीफ तुरंत वापस जाए। उधर वॉशिंगटन में भी तालिबान के खिलाफ अफगानियों ने मोर्चा खोला। Hello!
पंजशीर में इस वक्त भारी जंग छिड़ी है। सुबह अज्ञात विमानों ने तालिबानी ठिकानों को निशाना बनाया है। पंजशीर में दरअसल इमरान और पाकिस्तान का प्लान अफगान है। पाकिस्तान इस जमीन को अपने आतंकी प्लान का सेंटर बनाना चाहता है और इस कोशिश में तालिबान के लिए मदद की हर मुहिम में वो साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो पंजशीर में तालिबानी ठिकानों पर हवाई हमले की भी खबरें सामने आ रही हैं। अज्ञात जंगी हवाई जहाजों ने यह हमला किया है। काबुल में फैज हामिद की खास खातिरदारी हो रही है। उनका खास ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि पंजशीर पर कब्जे वाली प्लानिंग के प्रमुख पात्रों में साजिश के सूबेदार फैज साहब भी हैं। नॉर्दर्न अलायंस खुलकर दावा कर रहा है कि पंजशीर पर लेटेस्ट हमले की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान ने ही की। पंजशीर में पाकिस्तानी ड्रोन से बम गिराए, पाकिस्तान ने पंजशीर पर एयर स्ट्राइक किए। जिन ड्रोन से हमले हुए वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के थे। تایی که متاسفانه به دلایل مختلف جنگ به نقطه‌ای رسید که افغانستان در تنگنای سقوط قرار گرفت. در آخرین نقطه مردم با عزت ما از بدخشان تا تخار، از کاپیسا تا اندراب مقاومت‌های خود ادامه دادن تا بالاخره مقاومت به جغرافیای اندراب و پنجشیر رسید. پاکستان پر ایر فورس که پور و سانسد جی آرین جاد نے بھی ٹھیک را پھوڑا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، پنجشیر پر پاکستان کی ہوائی سینہ نے حملہ کیا ہے۔ तालिबान में हमसे लड़ने की ताकत नहीं, पाकिस्तानी सेना आईएसआई उसकी मदद कर रही है। कल रात पंजशीर पर हुए हमले की ईरान कड़ी निंदा करता है। पंजशीर पर पाकिस्तानी एयरफोर्स की स्ट्राइक का मतलब है तालिबान और पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला मोहब्बत करने की ठान ली है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खुलकर खेलने की तैयारी कर ली है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि तालिबान के हाथों में सत्ता आने पर पाकिस्तान ने क्यों तालियां पीटी थी, क्यों वहां के हुक्मरानों का तालिबान से भाईचारा ज्वार भाटे की तरफ फूटने लगा था। अमेरिकन ने कहा कि इनको जेल से निकालो और हमारे साथ मुजाकरात की टेबल पे लाओ। मुल्ला बरादरान जेल में थे और ये जितने नौजवान यहां मुहाजरों में पढ़ते रहे, कई बड़ी माजरत के साथ, मैं अब वजीर दाखला हूं, रेलवे में होता तो शायद और ज्यादा बातें कर सकता था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई ये तालिबान लीडर जो टॉप है वो पैदा पाकिस्तान में हुए, पढ़े पाकिस्तान में। इसमें तो पाकिस्तान की खिदमात हैं कि इनको हमने तालीम दी और अब भी कई पढ़ रहे। पाकिस्तान मरा जा रहा है क्योंकि उसे अफगानिस्तान में भारत वाली पोजीशन चाहिए। तालिबान की वापसी से उसका रास्ता साफ हो गया है। तालिबान को भी गले लगाने वाले चंद भाईजान की जरूरत है। गिनती के ही मुल्क हैं जो तालिबान से रिश्ते में सहज होंगे। तालिबान को सरकार की ताजपोशी वाले फंक्शन के लिए सिर्फ 6 मेहमान मिले, तुर्की, चीन, रूस, कतर, ईरान और पाकिस्तान। लेकिन जिस ईरान को अपने जश्न में बुलाकर तालिबान दोस्ती गाटना चाहता है, उसी ईरान ने उसे दुत्कार दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा है, कल रात हुए पंजशीर पर हुए हमले की ईरान कड़ी निंदा करता है। अफगान नेताओं की शहादत पर हमें गहरा दुख है। हमले के पीछे विदेशी दखल और पाकिस्तान के सहयोग की जाँच होनी चाहिए। यह बात सही है कि तालिबान अब अफगानिस्तान में हुकूमत चला रहा है और उसकी मदद के लिए पाकिस्तान भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। नॉर्दर्न अलायंस के नेता अमरुल्ला ने एक आर्टिकल में लिखा है, तालिबान को पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई चला रही है। तालिबानी प्रवक्ता को पाकिस्तानी दूतावास से हर घंटे निर्देश मिल रहे हैं। आईएसआई के निर्देश पर पंजशीर में अलकायदा के आतंकी भी शामिल हो चुके हैं। पंजशीर में कई पाकिस्तानी रेंजर्स को भी रेजिस्टेंस फ्रंट ने निशाना बनाया है। सालेह के इस दावे में दम दिखाई देता है क्योंकि शनिवार को ही आईएसआई चीफ काबुल में तालिबान के साथ चाय पर चर्चा करते हुए देखे गए थे और तालिबान को दिलासा देते हुए भी कि चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। Is going to happen now in Afghanistan? What is your best hope? I have just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry. खबरें आ रही हैं कि बरादर और हक्कानी नेटवर्क में सत्ता की बंदरबांट सुलझाने ही आईएसआई चीफ काबुल पहुंचा है। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि अब्दुल गनी बरादर कुछ दिन पहले पाकिस्तान होकर आया है। हक्कानी नेटवर्क के तो वारे न्यारे हो रहे हैं। पहली बार अनस हक्कानी को कैमरे पर देखा जा रहा है। उसने बगराम की उस जेल का दौरा किया जहां ब्रिटेन से गिरफ्तारी के बाद उसे 4 सालों तक रखा गया। अब उसी सेल के बाहर हक्कानी का फोटोशूट हो रहा है क्योंकि तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान में ऐसे ही लोग भगवान बनने वाले हैं। आज तक के लिए।
तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच तगड़ी भिड़ंत हुई है और इसलिए पाकिस्तान के आईएसआई चीफ भी अफगानिस्तान पहुंचे हैं। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा को लेकर गोली की शक्ल में बोली बदल रही है। तालिबान सरकार बनने में देर क्यों हो रही है? क्या है तालिबान और हक्कानी के बीच लड़ाई का सच? क्या हक्कानी को स्वीकार नहीं है मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा? अफगानिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि कैसे तालिबान में अंदर खाने एक जंग सी छिड़ी हुई है। खबरों की माने तो अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर के तौर पर तालिबान के प्रमुख नेता हैबतुल्ला अखुंदजादा के चयन को लेकर तालिबान और हक्कानी जैसे उसके सहयोगियों के बीच विवाद खड़ा हो गया। हक्कानी और तालिबान के बीच गोलीबारी की खबरें भी आई। एक अमेरिकी वेबसाइट की माने तो तालिबानी सरकार के गठन में देरी की वजह भी हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच सहमति ना बन पाना है, क्योंकि हक्कानी मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान भी दखल दे रहा है। शनिवार को आईएसआई चीफ तालिबान के बुलावे पर काबुल पहुंचे थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और हक्कानी नेटवर्क के गहरे संबंध हैं और अब अफगानिस्तान के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मोहम्मद हसन अखुंद को नॉमिनेट किया जाना भी तालिबान और हक्कानी के बीच फूट को बयां कर रहा है। आज तक ब्यूरो पंजशीर में पाक विमान गरजे तो तालिबानी ठिकाने भी दहले। पंजशीर ने कभी बाहरी सत्ता के सामने घुटने नहीं टेके। चुनौती के साथ सर उठाने वाले पंजशीर पर कब्जे का तालिबान ने दावा किया है, लेकिन यहां से बाकी आवाजों में अब भी दम है। पराक्रम से भरे पंजशीर अध्याय का ये वो एंटी क्लाइमेक्स है जिसकी ताक में तालिबान लगा था। 20 दिनों से पंजशीर के बबर शेर तालिबान की आंख से आंख मिलाकर टक्कर दे रहे थे। तालिबान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा था, लेकिन इस महाभारत में कौरव जीत गए दिख रहे हैं। तालिबान इन तस्वीरों के माध्यम से जीत का दावा कर रहा है। हम आज यहाँ हैं, ये लोगों की सरकार है। अब पंजशीर के अपने भाइयों को भरोसा दिलाते हैं कि हम उन्हें पूरी सुरक्षा देंगे। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के बोरिया बिस्तर बांध लेने के बाद तालिबान का रूट पूरी तरह क्लियर था। बस एक स्पीड ब्रेकर बचा था, पंजशीर का। 10,000 से 12,000 जवानों वाली पंजशीर की सेना ने 20 दिनों तक तालिबानी विस्तार की धार रोके रखी, लेकिन तालिबान अब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजशीर फतेह का दावा कर रहा है। जो लोग अशांति और असुरक्षा फैलाते हैं और जो युद्ध का रास्ता प्रशस्त करते हैं, हमारी सरकार इन मुद्दों पर बहुत संवेदनशील है। सरकार और अफगानिस्तान के लोगों के हितों के खिलाफ की गई गतिविधियों को हम कभी मंजूरी नहीं देंगे। विदेशी सैनिकों की वापसी हमारे लोगों का गौरव थी और हम चाहते हैं कि इस बार इनके खात्मे के बाद हमारा देश सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध हो जाएगा। हम इसी मंशा से काबुल आए थे। अगर कोई हथियार उठाता है और विरोध और दंगों का नाम लेता है तो बिना किसी शक वो हमारे पूरे देश और लोगों का दुश्मन है, क्योंकि इस देश के लोग युद्ध नहीं चाहते और युद्ध जारी रखने की कोई वजह भी नहीं है। लोगों को ये जानने की जरूरत है कि इस्लामिक अमीरात ने युद्ध खत्म कर दिया है और अब हम सभी को देश की समृद्धि और आजादी की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। पंजशीर इस वक्त पूरी दुनिया से कटा है। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ चुकी है। दुनिया के तमाम देश का संपर्क भी अफगानिस्तान से कटा है। इन तस्वीरों के दम पर कोई नतीजा निकाल लेना सही नहीं होगा। हाँ, तालिबान अपनी इस तथाकथित विक्ट्री को लेकर तरह तरह से सेलिब्रेट कर रहा है। तालिबान के प्रोपेगेंडा यूनिट ने एक नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में दो हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं। तालिबान इन्हें अमरुल्ला साले और अहमद मसूद के हेलीकॉप्टर बता रहा है और ये साबित करने में लगा है कि दोनों मैदान छोड़कर भाग निकले।
लेकिन अहमद मसूद के ताजा वीडियो संदेश से तालिबान की विक्ट्री स्टोरी में नया ट्विस्ट आ गया है। अफगानिस्तान दा माहे गुज़श्ते जंग है। हम खून की आखिरी बूंद तक हार नहीं मानेंगे। तालिबान का विरोध जारी है। पंजशीर में हमारी फोर्स अभी भी मौजूद है। तालिबान से लड़ना जारी रहेगा। मुख्तलिफ जंग बे नुक्ते रसीद के अफगानिस्तान, यानी कि पंजशीर अब भी एक पहेली बना हुआ है। पंजशीर के बारे में कुछ भी पुख्ता तौर पर कहना खतरे से खाली नहीं। पंजशीर से आ रही तमाम खबरों का स्रोत ऐसा है कि इसकी सच्चाई जांची और परखी नहीं जा सकती। पंजशीर के पांच बड़े किरदारों के बारे में अपडेट जरूर आए हैं जो आपको जान लेना चाहिए। अपडेट नंबर एक, अहमद मसूद ताजिकिस्तान चले गए हैं। अपडेट नंबर दो, अमरुल्ला साले भूमिगत हो गए हैं। अपडेट नंबर तीन, नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के प्रवक्ता और अहमद मसूद के करीबी फहीम दश्ती मारे गए। अपडेट नंबर चार, अहमद मसूद के चचेरे भाई जनरल अब्दुल वादुद को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। अपडेट नंबर पाँच, चीफ कमांडर साले मोहम्मद भी तालिबानियों से मोर्चा लेते हुए मारे गए। पंजशीर फतेह हुआ या नहीं, अहमद मसूद का सुरक्षित निकल जाना तालिबान के लिए बड़ा सेटबैक है। पंजशीर परास्त हो गया तब भी तालिबान चैन से नहीं बैठ पाएगा। गुरिल्ला वॉरफेयर का फंदा उसके सिर पर हमेशा मंडराता रहेगा। अहमद मसूद के करीबी सहयोगी अली नजारी ने ट्वीट कर तालिबान को खरी खरी वार्निंग दी है। मेरे नेता और भाई अहमद मसूद सुरक्षित हैं और जल्द ही अपने लोगों को एक संदेश देंगे। तमाम विपरीत हालात के बावजूद नॉर्दर्न अलायंस का हौसला नहीं झुका है। अहमद मसूद के सहयोगी अली नजारी ने एक टीवी चैनल को जो कुछ भी कहा उससे साफ है कि नॉर्दर्न अलायंस का साया तालिबान के सिर पर भविष्य में भी मंडराता रहेगा। This is our first time experiencing this. We fought 10 years against the mighty Red Army. We fought 5 years against the Taliban and international terrorism in the 90s and early 2000s. Thousands. This isn't the first time we're experiencing these challenges. We were able to overcome these challenges before. We'll overcome them again. 20 दिनों से तालिबानी तूफान के आगे नॉर्दर्न अलायंस प्रतिरोध का इकलौता प्रतीक बनकर खड़ा रहा, लेकिन आगे और कब तक खड़ा रहेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अंदरूनी मोर्चे पर तालिबान कितना टिक पाता है। अभी तो ये शुरुआत है और सत्ता की बंदरबांट में सिर्फ फुटबॉल तो अभी से हो रहा है। तालिबान अगर अपनी सत्ता को बिना किसी विवाद स्थापित नहीं कर पाया और आपसी विवादों में उलझा तो पंजशीर में प्राण लौटते देर नहीं लगेगी। आज तक ब्यूरो। काबुल में महिलाओं ने तालिबान के नए फरमान के खिलाफ सड़कों पर आवाज बुलंद की है। इस बीच महिलाओं पर तालिबान के क्या ख्याल हैं? जरा वो सुनिए। خربزه که چاک شده او رو میخریم یا خربزه که سالم مانده است؟ طبیعی است که خربزه سالم میگیریم. یعنی حجاب برای زن همینطور است. خربزه که چاک شده او رو میخریم یا خربزه که سالم مانده است؟ طبیعی است که خربزه سالم میگیریم. یعنی حجاب برای زن همینطور است.